नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है। आप देख रहे हैं शेडोल डायरीज, और अभी रात के लगभग 10 बजे हुए हैं। और थोड़ा देर पहले एक खबर आई है जो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए, या फिर उन यूट्यूबर्स के लिए जो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं। और बहुत सारे लोग जो उधर देख रहे हैं शहडोल के, स्पेशली जो सभी स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, सो उनके लिए खबर थोड़ा सा शॉकिंग ज़रूर है। आपको बता देता हूँ, आप अभी जैसे यूट्यूब चलाते होंगे या फिर वीडियोस देखते होंगे तो नीचे एक मैसेज ब्लिंक कर रहा होता है कि हम 10 दिसंबर से अपने टर्म्स एंड कंडीशन अपग्रेड कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, और वो आप ओके दबा के फ्री हो जाते होंगे। कुछ देर पहले गूगल में प्लस यूट्यूब क्रिएटर्स का जो ओरिजिनल चैनल है उसमें एक अपडेट आया है कि 10 दिसंबर के बाद दे आर गोइंग टू टर्मिनेट दोज चैनल्स विच आर कमर्शियली नॉट वायबल। मीन्स अगर वो चैनल्स जो कमर्शियली वायबल नहीं है, मीन्स उनको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, किनको, यूट्यूब को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, सो वो चैनल्स जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। फ़ायदा नहीं दे रहे हैं इन द सेंस, जैसे कि अभी जो भी स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स हैं जिनको एक क्राइटेरिया क्रॉस करना होता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स, सो वो करने के बाद फिर उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। एंड आफ्टर दैट कुछ एडसेंस का लेटर वगैरह आता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें होती है, फिर वो अर्निंग स्टार्ट होती है। एंड आफ्टर दैट दे आर गेटिंग कौन, यूट्यूब भी और जो क्रिएटर है यानी आप और मैं वो भी। सो अगर यूट्यूब उस पर्टिकुलर चैनल से अगर अर्न नहीं कर पा रहा है, शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो रिव्यू करेगा और उसके बाद वो टर्मिनेट करेगा चैनल। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो अभी तक उसने क्लियर नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा सिरदर्द ज़रूर दे दिया है कि इतना दिन से चैनल चला रहे हैं और इतना दिन बाद अगर टर्मिनेट हो जाता है तो बहुत दिक्कत होगी। हालांकि अभी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो आएगा, अभी वो कुछ दिन में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो ये थोड़ा दिक्कत उन्होंने ज़रूर भेजी है। लेट्स सी क्या होता है ऑन दैट। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है। होता क्या है यूजली कि हम वीडियोस तो डाल रहे हैं और फ्री हो जा रहे हैं, लेकिन YouTube के बहुत सारे काम होते हैं, उनको होस्टिंग करना होता है, होस्टिंग करने के बाद स्प्रेड आउट करना होता है डिफरेंट लोकेशंस पे। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो चल जाता है, ऑन दैट बेसिस उनके पास अर्निंग होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो उनका होस्टिंग और स्प्रेडिंग वो बेकार हो जाता है, और अल्टीमेटली उनके डेटा बैंक में आपका जो डेटा सेव हो रहा है वो जगह घेर के रखता है। तो ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो सही है, यूट्यूब बिजनेस करने ही आया है। बट अगर मैं देखूँ मॉरली, तो मॉरली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा लॉस है मेरे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। मीन्स अब यूट्यूब सिर्फ उनको सपोर्ट करेगा जिनसे अर्न कर रहा है, सो ये थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी। लेट्स सी आगे। अभी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं की है ऑन विच टर्म्स एंड कंडीशन दे आर गोइंग टू टर्मिनेट द चैनल, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ सिर दर्द तो जरूर दे दिया है, टेंशन जरूर। लेट्स सी क्या होता है, और होप जो मेरे जैसे हैं, जैसे मैं कुछ शहडोल से जो आसपास से हैं उनको जानता हूँ, उनके लिए भी ये खबर थोड़ा टेंशन वाली होगी। लेकिन नॉट टू वरी, टोटल इस पे ही तो डिपेंड कोई है नहीं, ये एज अ साइड चल रहा है तो ट्रीट इज एज अ साइड। बाकी तो देखते हैं अब यूट्यूब की तरफ से क्या बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट डिसीजन ज़रूर होगा। लेकिन होएगा तो अल्टीमेटली थोड़ा टेंशन तो ज़रूर दे दिया है। देखते हैं क्या होता है, जब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ है, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, दिस इज संजीत सोनी, जय हिंद।